यार ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, इस पे लिप सिंकिंग करता हूँ। ये हो गया कंटेंट वन डन। अब बनाता हूँ ट्रांजिशन वीडियो। जल्दी से शर्ट चेंज कर लेता हूँ, खैर लोगों को क्या पता, पहन लेता हूँ। ये हो गया कंटेंट टू। अब बनाता हूँ थ्री। किस पे बनाऊँ? हाँ, शेर और शायरी पे बनाता हूँ, बड़े व्यूज आते हैं। इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी हम भी थे बड़े काम के। श्याम श्याम क्या हुआ? श्याम ओए क्या हुआ? श्याम श्याम क्या हुआ? श्याम ओ पीछे हो, सारा कंटेंट खराब कर दिया तूने। टिकटॉक बना रहा था मैं, जा यार निकल जा। पर यार मैंने तो गोली की आवाज सुनी थी। ओ भाई ये टिकटॉक गन है, तुझे नहीं पता इसका। ये देख, नेक्स्ट टाइम अंदर आया ना दरवाजा खड़का के आई। चल जा, मुझे वीडियो बनानी है। कौन सा टिकटॉकर ऑलवेज अ टिकटॉकर। यार अल्लाह माफ करे, कितना सैलाब आ गया। लोगों को कैसे बताया जाए कि सैलाब आ गया। आइडिया, भाईजान यार ये एक वीडियो बना देना। यार एक वीडियो बना दो। मैं ना यहाँ से ऐसे स्लोमो चल के आऊँगा, ठीक है। आपने ना ऐसे थोड़ा सा एंगल इस तरह रखना है, ठीक है। उसके फौरी बाद ना आपने ऐसे पानी की तरफ कर देना है, ठीक है। ये पकड़े, ठीक है। एक सेकंड यार भाई थोड़ा पीछे तो चलो। अच्छा सॉरी दोबारा कर लो, दोबारा। वाह यार बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत शुक्रिया यार। वैसे मुझे समझ नहीं आया इस वीडियो में आपने किया क्या? भाई असल में ना मैंने लोगों को आगाह किया कि सैलाब आ गया। यार ना आपने कुछ बोला है, आप सिर्फ चल के आए हो, ऐसे लोग कैसे आगाह होंगे? भाई असल मैं हूँ कंटेंट क्रिएटर। जब इसमें स्लोमो लगेगा, अच्छा सा एक म्यूजिक लगेगा, लोग बैकग्राउंड देख के समझ जाएंगे। भाई फिक्र है, बाय द वे बहुत शुक्रिया। वंस अ टिकटॉकर ऑलवेज अ टिकटॉकर। देखो भाई अभी मैं एक लाइन बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं वलीद को थप्पड़ मारूंगा, तू इसको मारी, तू मुझे मारी, फिर इसी तरह ही हम एक दूसरे को ना थप्पड़ मारेंगे, ठीक है। इससे होगा ये कि जहाँ पे ज़्यादा मोहब्बत हो वहाँ पे ज़्यादा लड़ाई भी होती है, ठीक है। एंड पे हम अपनी मोहब्बत की निशानी देते हैं। ओके, हमेशा नस्ली दोस्त बनाओ, ना के सांप। यार वैसे तुझे समझ आई है क्या हुआ? यार मुझे लगा तुझे समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई श्याम भाई, क्या बताएं? यार ये आपको समझ नहीं आएगी। ये जब एडिट होगी, अच्छा सा एक म्यूजिक लगेगा, फिर आप कहोगे वाह यार श्याम यू आर रियल कंटेंट क्रिएटर। वंस अ टिकटॉकर ऑलवेज अ टिकटॉकर। कभी सैड होता है, कभी खुशी हो जाता है, क्या मसला क्या है? जानिए पैसों का मसला है, कभी खुशी कभी गम वाला हिसाब है। क्या कही जा रहा है, थोड़ा समझा। जानी वो छोड़, तू मुझे ये बता तुझे गाड़ी कौन सी पसंद है? टोयोटा CHR। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? दित्ती। फोन कौन सा पसंद है? तू तो मुझे आईफोन ही पसंद है। दिता iPhone 14 Pro Max 1TB वाला मेरी तरफ से। ओ बाबा पागल हो गए हैं, लॉटरी निकली है या बैंक लॉटरी जरा इतना मेहरबान हो मेरे से। जानी क्रिप्टो 21 सेकंड में पैसा डबल। अब ये कौन सी नई स्कीम है जो सेकंड्स में पैसे देगी? और जानी ये ऑनलाइन करेंसी, इसमें पैसे इन्वेस्ट कर, गोल्ड डॉलर छोड़ दे ये चीजें, दिस इज द फ्यूचर। वाकई जी, वाकई जितनी देर में आपने वाकई बोला ना, मैंने $200 बना लिया। लेकिन यार मैंने तो सुना है जो पैसा बैठ के आए वो तो हराम होता है। और नहीं नहीं जानी, मौलवियों ने फतवा निकाला कि ये हलाल है। बस ठीक है, फिर मेरी CHR और iPhone 14 Pro Max पक्का। हाँ हाँ जानी, मैं जरा पानी पी गया है। तुझे क्या हुआ है? जानी मेरी सारी दौलत, सारा पैसा लुट गया। जानी अभी तो इतना तो खुश था, लेकिन अब तुझे क्या हो गया? यार डिप आ गए, सारे पैसे बर्बाद। पर तू क्यों रो रहा है? यार मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, जो तूने मुझे CHR और iPhone देना था अब कहाँ से देगा? ओ भाई तुझे अपनी CHR और iPhone की पड़ी है। यहाँ पे मैंने अपने घर के कागज दे के लोगों से पैसे जमा करके फिर इसमें इन्वेस्ट किए थे। मैंने तुझे भाई पहले ही बोला था ये हवाई कमाइया ना कर। एक ना मसाला फ्राइज कर दें, और जो आपने फ्राइज है ना वो एयर फ्राई करनी है, आपने ऑयल फ्राई नहीं करनी। और जो मसाला ना ऐसे स्प्रिंकल करना है। ओके ओके मैम, और कुछ मैम? नहीं नहीं बस ये ये देखिए, इनकी जो फ्राइज है ना ये बहुत क्रिस्पी है, और ये रेड बुल तो बहुत चिल्ड है। एक्सक्यूज मी, आप ना अपने ज़रा मैनेजर को बुलाइए। जी मैम। Ma'am, how can I help you? Actually, I'm a food blogger and influencer. I'm quite famous and I have 300,000 followers on Instagram. जी ma'am, I've seen your videos. So I was thinking कि अगर आप मुझे ये food complimentary दे दें, in return मैं आपका food review लगा दूंगी, positive. Sorry ma'am, that's not our policy. But मैं आपको 10% off कर सकता हूँ। Excuse me, 10%? आप मेरे 300,000 followers कैसे insult करें? ठीक है, मैं आपका negative review लगा देती हूँ। Ma'am, सिर्फ 150 रुपए हैं and हमारी पॉलिसी नहीं है। 150 रुपए की बात नहीं है, you're insulting my whole community. Ma'am, I'm extremely sorry, मैं नहीं कर सकता, ऑनर की तरफ से पॉलिसी नहीं है, बट मैं अपनी सैलरी से कटवा देता हूँ। नहीं नहीं, आप अपनी सैलरी से क्यों कटवाएंगे? कोई बात नहीं, अगर आपका ऑनर्स को नहीं पता, आपका ऑनर्स को पता होना चाहिए। पर अब नेगेटिव रिव्यू लगेगा, उनको पता चल जाएगा। मैम ऐसा ना करें, मेरी जॉब चली जाएगी। आप एक काम करें, मुझे अपने ऑनर्स का नंबर दें, मैं खुद ही बात कर लेती हूँ। मैम आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं ऐसे उनका नंबर दे सकता आपको। ठीक है, मैं अपने लिंक्स यूज़ करके उनका नंबर खुद ही निकलवा लेती हूँ। मैम आप प्लीज़ ऐसा ना करें, आप मेरी सैलरी से खा लें, मेरी नौकरी जा सकती है वरना। जी ये देखें जी, ये रेस्टोरेंट है, ये अपने कस्टमर की ज़रा भी इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। दे डू नॉट नो द कस्टमर इज always right, and this is a male oriented place. I do not recommend you. 0 out of 0. हाँ जी, तो हम आ चुके हैं, आपको दिखाते हैं WD फ्राइज पे। तो देखते हैं अंदर जाके इनकी प्राइस कैसी है, बड़ा नाम सुना हुआ है, तो अब जाके चेक करते हैं और देखते हैं, और आपको भी बताते हैं कि इनकी प्राइस कैसी है। तो चलो चले। तो गाइस मैं आ चुका हूँ WD फ्राइज के अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ, शायद कस्टमर जो है वो मैनेजर से बहस कर रहा है किसी बात पे। खैर हमें इनकी लड़ाई से क्या लेना देना, हमें तो टाइटल मिल गया है कि फाइट विद कस्टमर। बाकी जितना ये गुस्से में लड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई उसकी टोपी खींचेगा और कोई उसके बाल खींचेगा। खैर ये दोनों एक दूसरे का खींचते रहेंगे कुछ भी। हमें जो है यहाँ पे रिव्यू करना है और देखना है और अपना ब्लॉग बनाना है, आपको एंटरटेन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस आपको मैं दिखाता हूँ, गाइस ये देखें, ये एक्सीडेंट से बेचारा गिर गया, बड़ा बुरा बेचारा बहुत बुरा गिरा। गाइस मैंने देखा अपनी आंखों से एक्सीडेंट, बहुत बुरा फ्रेश एक्सीडेंट, बेचारे की बहुत बुरी हालत है। इसका टाइटल हमें मिल चुका है, आंखों से देखा फ्रेश एक्सीडेंट। तो यार कोई बंदा बशर नहीं है इसकी मदद करने के लिए। तो यार मैं आप लोगों को उससे थोड़ी सी बात करवा देता हूँ। जी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? देखें गाइस वो बार बार बोल रहा है कि 1122 पे कोई कॉल कर दे, लेकिन यहाँ पे इंसानियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हमें अलिफ से अनार सिखाने के बजाय अलिफ से इंसानियत सिखानी चाहिए। गाइस मैं तो देख के परेशान हो गया। मुझे भाई उसको उठाओ, क्या कर रहे हो यार? यार मैं लोगों को मैसेज दूँ या उसको उठाऊँ? व्लॉग बन रहा है जी यार। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कोई भी यहाँ पे उसको बचाने वाला नहीं है, इसने मेरा व्लॉग खराब कर दिया पागल ने। यार मेरी वीडियो में ज़रा भी इमोशनल टच नहीं है, ऐसे तो व्यूज़ कम आएंगे यार। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा बारिश का पानी है जो कि सैलाब की तरह लग रहा है, लेकिन ये सैलाब नहीं है। लेकिन जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान है सैलाब की वजह से, तो हमने उनके लिए एक एनजीओ चलाई है जिसका नाम है हेल्पिंग हैंड्स, जिसकी मैं बैंक डिटेल आपको नीचे दे रहा हूँ। अगर आप डोनेशन कर सकते हैं तो कीजिए, जितनी कर सकते हैं आप लाजमी कीजिए। तो दुआ भी करेंगे कि जो सैलाब में फंसे हैं उनको अल्लाह पाक जो है मदद करे। बाकी व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो बाय बाय। समी बेटा उठो, मुझे सब्जियां ला के दो। अम्मी जी मेरी शक्ल से नहीं नजर आ रहा, मैं सारी रात का काम करके थका हुआ। कौन सा इतना जरूरी काम है? पहले उठो मेरा काम करो, बाद में करते रहना। अम्मी जी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, टाइम गुजर रहा है, मैंने आधे घंटे बाद अपलोड कर दी है। चलो मैं किसी और को भेज देती हूँ। मामा बात सुने, वो अम्मी जी अपने YouTube पे जाके मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर दें, और आपका जो फैमिली ग्रुप बना हुआ है ना उसमें भी लिंक शेयर कर दें प्लीज। बस हो गया तेरा काम, करते हैं। अम्मी बेटा अगर आपके ये काम खत्म हो गए हो, मुझे दही ला दो, रायता बनाना है। अम्मी जी मुझे पहले ही समझ नहीं आ रही है सीन कैसे बनाऊं, ऊपर से आप काम सुनाती रहती है मुझे आगे। बैठो मरो यहीं पे, काम करते रहो, उठना ना आए बड़े यूट्यूबर। आज के बारे में तुम्हें काम नहीं कहना है, दफा हो जाओ। और थैंक यू माँ जी, आपने तो मेरी हेल्प कर दी, मैं यहीं पे फंसा हुआ था। हर सीन के एंड में अम्मा बोलेगी निकल जाओ मेरे करो।